बहुत से बच्चों ने मुझे पूछा कि ऑड वन इन जो है वो किस तरह से समझना चाहिए, तो आज मैं आप लोगों को वही समझाने वाली हूँ बहुत ही डिटेल में, और यही कंसेप्ट रहेगा आप लोगों को एंड तक, ठीक है। तो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो हम लोग सीखते हैं ऑड वन इन। अभी ऑड वन इन का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन है, इंसान, व्यक्ति, ओके, एनिमल, कोई ग्रुप्स है, ठीक है, उसमें जो ऑड वन होगा उसे ही हम लोग ऑड वन इन कहते हैं ना। अभी ऐसे मैंने बोला तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, है क्या नहीं, सब बैठे होंगे सिर खुजाते हुए। तो मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताती हूँ बहुत ही आसानी से, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अभी देखो एकदम सिंपल है। अभी देखो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये मैंने लिखा है एप्पल, ईट एन एप्पल एंड कीप अवे डॉक्टर, है क्या नहीं। तो ये एक लिया मैंने एप्पल, फिर उसके बाद मैंने लिया बनाना, बनाना जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके लिए बनाना खाओगे ना तो एकदम फिट रहोगे, ओके। लेकिन बनाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर बनाना खाने के बाद आप लोग पानी पियोगे ना तो आपको 100% सर्दी हो जाएगी, ओके मम्मीज। तो बच्चों को बनाना के ऊपर पानी कभी मत देना, ओके। तो है बनाना, फिर उसके बाद एक और फ्रूट हम लेंगे ऑरेंज, ठीक है। और अभी मैंने लिखा पर्ल, PERL, ओके। अभी एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड पर्ल में का ऑड वन कौन हो गया भाई, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड। अभी कितने बच्चे होंगे जिनको पर्ल का मतलब ही नहीं पता है। अभी एप्पल यानी सफरचंद सेब, बनाना यानी केले, हाँ, फिर ऑरेंज मौसमी संतरा, पर्ल का मतलब होता है मोती, ठीक है, पर्ल का मतलब होता है मोती। तो अभी इन सब में से ऑड वन कौन सा हुआ, तो वो हुआ पर्ल। तो इसे हम लोग करेंगे सर्कल। ऑड वन कौन सा है, पर्ल है। तो क्यों पर्ल है, क्योंकि एप्पल फ्रूट है, बनाना क्या है, फ्रूट है, ऑरेंज क्या है, ये भी फ्रूट है। तो पर्ल फ्रूट है क्या, खाते है क्या तुम लोग मोती, नहीं। तो वो ग्रुप ऑफ फ्रूट्स में बैठता है क्या, फ्रूट्स के ग्रुप में वो बैठता है क्या, नहीं बैठता है, है ना। तो इसके लिए ये जो है पर्ल, उसे हम लोग कहेंगे ऑड वन इन, ठीक है। फिर हमने इसे सर्कल कर दिया। इसी तरह से अभी हम लोग लेंगे दूसरा एग्जांपल। अभी यहाँ पर देखो तुम लोग ऑड वन इन में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये है पिज्जा, सॉरी ये है बर्गर, ये है पिज्जा, ये है फ्रेंच फ्राइज, और ये है जूस, है ना, ग्लास ऑफ जूस। तो इसमें से भी ऑड वन कौन सा हो गया भाई, वेरी गुड, जो जूस का ग्लास है वो ऑड हो गया, है ना, क्योंकि वो लिक्विड है और ये जो है सारे सॉलिड है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर है पाइनएप्पल, ये है स्ट्रॉबेरी, ये है ग्रेप्स और ये है कैरेट। तो अभी ऑड वन कौन सा हो गया, करेक्ट, कैरेट हो गया, है ना। क्यों कैरेट ही हुआ, क्यों ये स्ट्रॉबेरी नहीं, क्यों ये ग्रेप्स नहीं, क्यों ये पाइनएप्पल नहीं, यस, क्योंकि ये जो है फ्रूट्स है और जो कैरेट है वो क्या है, रूट है, है ना, इसीलिए ऑड वन कौन हो गया इसमें का, कैरेट हो गया, ओके। अभी देखो यहाँ पर ये देखो ये है टोपी, ये है टोपी, ये है अम्ब्रेला और ये भी है टोपी। तो अभी ऑड वन क्या हो गया, करेक्ट, अम्ब्रेला, है ना, क्योंकि ये सारे क्या है, हैट्स है और अम्ब्रेला जो है वो क्या है, छाता है। तो ऑड वन क्या हो गया, अम्ब्रेला हो गया। तो इसी तरह से तुम लोगों को ऑड वन इन में ऑड क्या है वो फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, किटली, ये है पैन, ये है पॉट और ये है सॉक्स। तो ऑड वन क्या हो गया इसमें का, सॉक्स, क्योंकि ये जो है सारे बर्तन है, है ना। इसमें सॉक्स में खाना खाते है क्या तुम लोग, खाना पकाते है क्या तुम लोग, नहीं। ये मेटल है क्या, नहीं। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो हम लोग अपने कुकिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन सॉक्स जो है वो हम लोग पहनने के लिए यूज करते हैं, वो कपड़ा है, इसके लिए वो ऑड वन है, ओके। तो सॉक्स जो है वो ऑड वन है। उसके बाद देखो यहाँ पर है सनफ्लावर, ग्रेप्स, फिर ये कौन सा फ्लावर है भाई, लोटस, और ये है रोज। तो अभी इसमें का ऑड
तो सनफ्लावर, ग्रेप्स, लोटस एंड रोज। तो इसमें से और वन क्या हो गया? ग्रेप्स। क्यों? क्योंकि ग्रेप्स जो है वो फ्रूट है और बाकी के जो है वो फ्लावर्स है। इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा बर्गर है, पिज्जा है। मुंह में पानी नहीं लाना है बिल्कुल भी, ठीक है? तो मम्मी को पहले बोलोगे, मम्मी ऑर्डर कर दो तो जरा बर्गर पिज्जा। नो, पहले स्टडी। ओके, तो ये बर्गर, ये है पिज्जा, और ये है ब्रोकली, और ये है फ्रेंच फ्राइज। शाबाश, अभी तुम लोग को समझ में आ गया है ब्रोकली जो है वो है ऑड वन। ओके, क्योंकि ये सारे स्नैक्स है। ब्रोकली हम लोग कच्चा नहीं खाते, मैं तो नहीं खाती, बाकियों का तो मुझे पता नहीं है। ओके, और आगे अभी देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो यहाँ पर है कैमल, फिश, जिराफ एंड एलिफेंट। तो अभी यस, फिश जो है वो ऑड वन है। फिश पानी में रहता है और ये एनिमल जमीन पे रहते हैं। इसके लिए फिश क्या है? ऑड वन इन है, ये है एक्वेटिक एनिमल। ओके, तो अभी यहां पर देखो, ईयर, लिप्स, हैंड एंड नोज। अभी तुम लोग बोलेंगे ये तो सारे बॉडी के ऊपर ही है, लेकिन अभी इसमें और क्या है? और ये है कि अपने चेहरे के ऊपर नाक है, लिप है, ईयर है। तुम लोग के फेस के ऊपर हाथ लगा है क्या? नहीं है ना, तो फिर ऑड वन क्या हो गया? हाथ जो है वो ऑड वन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, यहाँ पर है चेयर, बॉल, कॉट एंड टेबल। तो अभी इसमें से ऑड वन क्या हो गया? बॉल हो गया। ये सब सोने और बैठने की चीजें हैं, और बॉल क्या है? खेलने का है, क्या नहीं? इसके लिए ऑड वन बॉल हो गया। उसके बाद नीचे इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं हम लोगों को। ये है, ये देखो, ये है नाइट लैम्प, ये है कैंडल, ये है हनी बी, और ये है टॉर्च। ओके, तो भी इसमें का ऑड वन कौन सा हो गया? यस, करेक्ट, हनी बी जो है वो ऑड वन हो गया। अभी तुम लोग को समझ में आ गया ऑड वन किसे कहते हैं? वेरी गुड। तो यहाँ पर है देखो भाई, ये है, अभी ऑड वन में तुम लोग को ऐसे भी आ सकता है। देखो यहाँ पर बनाना दिए हुए है, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, और ये छीला हुआ बनाना है। तो ऑड वन कौन सा हो गया इसमें का? ये छीला हुआ जो बनाना है वो ऑड हो गया। अभी ये देखो, यहाँ पर एप्पल एप्पल एप्पल, और यहाँ पर खाया हुआ एप्पल है, तो ऑड वन कौन सा हो गया? खाया हुआ। चप्पल 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 चप्पल, अभी इसमें से ऑड वन कौन सा है? करेक्ट, फटेक से आंसर दिया तुम लोग ने। जो पर्पल वाला जो चप्पल है वो ऑड है, और बाकी के जो चप्पल है वो अलग कलर के है, सेम कलर के है। खाली ऑड कलर कौन सा है इसमें? ये जो पर्पल कलर दिखाई दे रहा है वो ऑड है, इसके लिए ये ऑड वन है। अभी देखो, अभी यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को पिक्चर दिया हुआ है, तो इस पिक्चर में से कौन सा ऑड वन इन है ये तुम लोग मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरा ये वीडियो और आपका प्यारा सा नाम भी कमेंट में लिखना मत भूलना, ठीक है? तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे फर्स्ट आंसर कौन देता है, ठीक है? तो अच्छे से देख लेना भाई इमेज, फिर मत कहना दिखा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं। हाँ देखो, पांच मैंने आप लोग को दिए है, पांच में आप लोगों को ऑड वन क्या है वो मुझे बताना है, ठीक है? और इतना वीडियो देखने के बाद और समझने के बाद मेरे हिसाब से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को भी इसके आंसर्स नहीं आएंगे। ओके, तो चलो मैं भी वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर्स का। और हाँ, मेरा ये जो चैनल है ना बच्चों, ये है एब्सोल्युटली फ्री, तो प्लीज अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को बताना मेरे इस फ्री चैनल के बारे में। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं सिखाती हूँ, फर्स्ट से टेंथ अंदर तक ऑल सब्जेक्ट सिखा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं कंप्लीट करूँ। हाँ, जो टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उन लोगों के लिए हिंदी एंड मराठी का मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है विद क्वेश्चन एंड आंसर। तो टॉप करना चाहते हैं ना आप लोग, इंक्लूडिंग हिंदी मराठी, तो मेरे ही चैनल पे आपको जाना चाहिए। ओके, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।